हेलो, आज हम यहाँ पर देखेंगे वर्कशीट बच्चों के लिए, जूनियर सीनियर के बच्चों के लिए। आप देख सकते हो तो स्पेसिफिकली ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए है और सीनियर के ये बच्चों के लिए भी ये वर्कशीट बहुत ही हेल्पफुल है। तो बेसिक यहाँ पर बच्चों को पता चलेगा कि व्हेन वी आर यूजिंग ए एंड एन, कहाँ पर उन्हें ए और एन यूज करना है, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये हमें, और वो क्यों यूज किया जाता है, ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज व्हेन वी स्पीक तो वी हैव टू यूज दिस, अ पेन, अ पेंसिल, एन इंक पॉट। तो ये जब हम बच्चों को बताएंगे, तो जब पेंसिल है तो हमने ए यूज किया था और इंक पॉट के लिए हमने एन यूज किया है, तो ये डिफरेंस क्यों होता है, ये बच्चों को क्लियर आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों आप लोग रेडी हो, चलो आज हम देखेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। ये इंग्लिश वर्कशीट है आप लोगों के लिए स्पेशल प्राइमरी सेक्शन, ठीक है? आर यू रेडी टू सॉल्व दिस वन? चलिए हम देखते हैं। व्हेनेवर वी स्पीक ऑफ वन पर्सन, जब भी हम किसी एक इंसान के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और वन प्लेस, वन एनिमल और वन थिंग, तो हम क्या करेंगे वहां पर, वी राइट ए और एन बिफोर द वर्ड। तो उसके पहले हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं और एन लिखते हैं। इफ द वर्ड स्टार्ट विथ वॉवल साउंड, वॉवल कौन कौन से हैं आप लोगों को मैंने दिखाया था लास्ट टाइम, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ यू, ये फाइव क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। चलो यहाँ पर हम वॉवल्स को लिखते हैं, आई ओ एंड यू, ये सब क्या है, इसे हम कहेंगे वॉवल, ठीक है? तो कभी भी कोई भी नाम स्टार्ट होता है, सपोज प्लेस है, कोई एनिमल है या कोई थिंग है, वो स्टार्ट होता है जिस लेटर से, तो वो लेटर का फर्स्ट वर्ड, लेटर जो है वो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर ए है या ई है, आई ओ यू, इनमें से कोई भी अगर एक है, तो आपको उसके पहले क्या लिखना होगा, पहले है तो मैं यहाँ पर एरो कर देती हूँ, उसके पहले क्या लिखना होगा, एन। जैसे यहाँ पर देख लो अम्ब्रेला, तो फर्स्ट लेटर इन अम्ब्रेला इज वॉट, यू, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। तो इसके लिए यू यहाँ पर फर्स्ट है तो वो क्या है, वॉवल है, इसलिए हम उसके पहले क्या लिखेंगे, एन अम्ब्रेला, बिकॉज देयर इज ओनली वन अम्ब्रेला, एक ही अम्ब्रेला है। बट व्हेन वी टेक द प्लूरल वन, मतलब हम ज्यादा लेते हैं अम्ब्रेलाज, तो वी, ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर यू है, तो यू मतलब ये क्या है, वॉवल है, तो दिस मीन्स हम कहेंगे एन अम्ब्रेला। अगर यहाँ पे बहुत सारे अम्ब्रेलाज है तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट अम्ब्रेलाज, ओके, आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव अम्ब्रेलाज, तो ये प्लूरल फॉर्म में आता है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर सिंगल है तो क्या कहेंगे, आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास अम्ब्रेला है। फिर उसके बाद इंक पॉट, तो यहाँ पर आप देखो एन इंक पॉट, वाई वी से एन, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है, आई है, और आई इज वॉट, वॉवल, ठीक है, वेरी सिंपल। तो जब भी हम वॉवल फर्स्ट लेटर में देखेंगे तो वॉट वी विल राइट, एन, आप लोगों को ये भूलना नहीं है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं अगर कोई कॉन्सोनेंट है, मतलब जो वॉवल्स नहीं है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बाकी के लेटर है, बी है, सी है, डी है, एच है, जे के एल एम एन, तो बहुत सारे लेटर्स होते हैं, तो वो जो कॉन्सोनेंट उसे हम कहते हैं, अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर क्या लिखना है, डायरेक्ट वी कैन राइट ए, सिंपल है। लेकिन सिर्फ आपको क्या याद रखना है, When there is AEIOU in front of first letter, okay, in word the first letter is vowel, what we write, always write N. तो चलो हम यहाँ पर अभी एक बहुत अच्छा वर्कशीट दिया है, पिक्चर्स भी है, चलो स्टार्ट करते हैं। राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड, तो वॉट इज योर, इग्लू, ये पता है आपको कहाँ होता है, बहुत ही कोल्ड रीजन जहाँ पे पूरा बर्फ होता है, ऐसी जगह पर रहने के लिए इग्लू बनाते हैं, और ये भी बर्फ से ही बनता है, आइस से बनता है, ओके? तो इग्लू में फर्स्ट लेटर क्या है, आई, तो
लिखेंगे एंड इग्लू। उसके बाद सेकेंड वुमन, हियर इज अ वुमन, तो डब्ल्यू है तो ये कॉन्सोनेंट है ना, इसीलिए लिखेंगे अ वुमन। देन इंसेक्ट, एन इंसेक्ट बिकॉज आई है। किंग, यहाँ पर क्या है किंग, तो देखो के फर्स्ट लेटर है, कॉन्सोनेंट है, यू कैन राइट हियर अ किंग। एन ऑक्स, यस ओ लिखा है और ओ क्या है वॉवल है। डॉल, डी फॉर डॉल है, अ डॉल। कप, सी फॉर कप, तो सी क्या है कॉन्सोनेंट है, देन यू कैन राइट हियर अ कप। ईगल, ईगल है ना, तो यू ई से स्टार्ट हुआ है, सो वी कैन राइट हियर एन ईगल, क्या लिखना है एन ईगल। एप्पल, ए फॉर एप्पल, देयरफॉर एन एप्पल। चेस, कॉन्सोनेंट है अ चेस। देखो कितना सिंपल है, एकदम फटाफट आप लोगों को समझ में आ गया है कि जब भी ए ई आई ओ यू ये लेटर फर्स्ट आएंगे तो हमें क्या लिखना है एन। ओके चलो ना, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड बॉक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। चलो अभी सेंटेंसेस देखते हैं, अभी वर्ड्स देखे ना, अभी सेंटेंसेस देखेंगे। वी सॉ डैश एरोप्लेन इन द स्काई, ए से एरोप्लेन, सो वील राइट हियर एन एन एरोप्लेन। मिसेस शाह हैज अ कैट, वाई अ क्यों लिखा हमने, ए क्यों लिखा है, ए को हम जब रीड कर दे तो अ कैट, ए कैट ऐसे नहीं कहेंगे, वील रीड एज अ कैट, तो ये कॉन्सोनेंट है। हर अंकल इज अ डॉक्टर, यहाँ पे डी है कॉन्सोनेंट, कब लिखेंगे एन कब लिखेंगे, A-E-I-O-U, ये जब लेटर रहेगा तब हम एन लिखेंगे, ठीक है याद रखो। माई फादर इज इंजीनियर, तो एन इंजीनियर। देर इज अ डक इन, इज इन द पॉन्ड। मदर इज बाई बुक, तो अ बुक। डैश एंड इज सिटिंग ऑन अ लीफ, एन एंड इज सिटिंग ऑन अ लीफ। ओके देन आफ्टर, वेरी नाइस एक्टिविटीज गिवन हियर। देखो आप लोगों को बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं ना, कलर द करेक्ट ऑप्शन विथ येल्लो कलर, तो आपको कलर से करना है। कैसे करेंगे, शिप दिया है तो फर्स्ट लेटर क्या है शिप में, एस है, एंड दैट इज कॉन्सोनेंट, कहाँ पे कलर करोगे, ए अ शिप। अनियन में ओ है फर्स्ट, एन अनियन। थर्ड देखो फिश, एफ इज कॉन्सोनेंट, तो अ फिश। आउल स्टार्ट विथ ओ, तो क्या लिखना है एन आउल। देन अ बटरफ्लाई, फर्स्ट लेटर को कैप अंडरलाइन करके रखो आप लोग। फिर यहाँ पर देखो ए एक्स, एन एक्स। एक्स का क्या यूज करते हैं, व्हाई डू वी यूज एक्स, वुड कटर यूज दिस टू कट द वुड, वुड कट करने के लिए। देन सी अ कैटरपिलर, सी फॉर कैटरपिलर, देयरफॉर अ कैटरपिलर। स्नोमैन, एस फॉर सो स्नोमैन, देयरफॉर अ स्नोमैन। ओके तो वी हैव कंप्लीटेड दिस फुल वर्कशीट, आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, और पेरेंट्स आप लोगों को भी बच्चों को इसी तरह से वर्कशीट बना कर देने हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो या ट्यूशन देते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो इसे ज़रूर आप फॉलो करो, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।